हाय एवरीवन, दिस साइड शशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी एग्जामिनेशन 2024 एंड 2025। तो जिसमें टॉपिक वाइज जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, चाहे जैसे सीडीपी का जितने क्वेश्चन हैं वो अलग, मैथ के जितने क्वेश्चन हैं उसको अलग, रीजनिंग के अलग, कंप्यूटर के अलग, और आपकी हिंदी के अलग और इंग्लिश के अलग। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा ईवीएस है। ठीक है, ईवीएस में 21 फेब को जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन आपसे आए थे ईवीएस के, वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को, और एक प्लेलिस्ट बना दी है केवीएस पीआरटी 2024 एंड 25, आप उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो। बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन बिलो। स्टेटमेंट वन, नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल, सिल्क, नाइलॉन आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। स्टेटमेंट सेकेंड, सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। अब हिंदी में बता देते हैं आपको क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको रहेगा, बाइलिंगुअल। नीचे दिए गए कथन है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, और दूसरा है संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। बताइए जल्दी से इसका कौन सा आंसर होगा। आपको 161 का बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट 1 इज सेकेंड इज ट्रू। मतलब नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, कॉटन, वुल, सिल्क हो गया, ये प्लांट और एनिमल से नहीं रिसीव होते हैं, जबकि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग के द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित रेशे होते हैं। ठीक है, इसको संश्लेषित अथवा मानव रेशित भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 में। ये भी क्वेश्चन देखिए ऐसे ईवीएस में पूछे गए हैं क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ देम इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर आर रीजन, चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोट्स गिवन बिलो। बताना है आपको, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बींग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। रीजन क्या है, सच डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। आपको बताना है, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, पहला कथन है, दूसरा कारण है। तो कथन क्या है, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, और कारण है, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं, बताइए पैथोजेंस कहते हैं। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 162 का सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड। ए एंड आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 में। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल एस एसर्शन एंड अदर लेबल एस रीजन। देखिए एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, चाहे सीटेट हो चाहे आपका केवीएस के एग्जाम्स हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करना है। ठीक है, एसर्शन है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, ह्यूमंस गेट देयर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। तो बताना है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं 163। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। बताना है आपको 163 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। बिल्कुल भाई, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पे। Think about the statements given below and choose the correct answer with the help of given quotes. Process of removing weeds is called weeding. The process of removing seeds from the chaff of harvested crop is called threshing. Cutting of crop after maturing is also called weeding. Supplying of water at regular time and interval is called irrigation. जल्दी से बताना है कौन सा सही है इसमें से। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, काटी गई फसल के भूसे से बीजों दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। बताइए जल्दी से क्या है इसका राइट आंसर। तो 164 का जो राइट आंसर आपका होगा 4 इज राइट आंसर। फोर्थ क्या है भैया, केवल ए, बी और डी। ए, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, काटी गई फसल भूसे से बीजे दानों को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहते हैं, और डी हो गया उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अब नेक्स्ट 165 पे चलते हैं। फ्रूट इज राइपेंड, पहला एंथर, स्टिग्मा, थर्ड पोलन एंड फोर्थ इज ओवरी। फल एक परिपक्व डैश है, बताइए पराकोष, वर्तिकाग्र, पराकोड़, पराकर, अंडाशय। जल्दी से बताइए 165 का।
तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, अंडाशय क्या है? इसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 166। फिर देखिए एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, फिर मैं बार बार कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन ऑफ देम इज लेबल्ड एज एसर्शन एंड देन अदर इज रीजन। एसर्शन क्या है? सैंडी सॉइल इज वेल एरेटेड। ठीक है, रीजन द सैंड पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल आर वेरी स्मॉल। बताना है, अब हिंदी में पढ़ते हैं। अभिकथन क्या है? बलुई मृदा सुआतीत होती है। कारण क्या है? बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। बताना है 166 का राइट आंसर आपको बताना है। 166 का राइट आंसर आपका क्या होगा? थर्ड वन इज राइट आंसर। ठीक है, क्या थर्ड इसका राइट आंसर होगा? ए सही है परंतु आर गलत है। बलुई मृदा सवातीत होते हैं बिल्कुल, लेकिन बलुई मृदा के कण जो है जरूरी नहीं कि छोटे हों। आगे चलते हैं। बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एयर। ठीक है, और उससे रिलेटेड है, उसको कौन सा सही है इसको आपको चुनना है कोर्स में। ठीक है, मूविंग विंड इज कॉल्ड एयर। बी, एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। सी, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर टू हाई एयर प्रेशर। जल्दी से बताइए इंग्लिश में, हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। गतिशील पवन वायु कहलाती है। बी, वायु गर्म होने पर फैलती है। सी, वायु केवल कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। बताना है, तो 167 का जो राइट आंसर आपका होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ इज राइट आंसर। फोर्थ क्या है भैया? केवल बी, वायु गर्म होने पर फैलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 168 है, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फिर देखिए वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। डायरिया इज नॉट अ फैटल डिसीज। स्टेटमेंट, डायरिया लीड्स टू लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। बताना है कि दस्त एक घातक बीमारी नहीं है, दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण की क्षति होती है। बताना है आपको, तो 168 का जो राइट आंसर आपका क्या होगा? 168 का राइट आंसर आपका होगा फोर्थ। ठीक है, क्या फोर वन इज राइट आंसर। फोर क्या है? कथन वन गलत है परंतु कथन दो सही है, कि भैया दस्त एक घातक बीमारी नहीं है, ठीक, लेकिन दस्त के कारण शरीर से हमारे जल और लवण की क्षति होती है। ठीक, आगे चलते हैं 169 में। Why are pitcher plants heterotrophs? जो pitcher plants है, pitcher plants के बारे में मैंने बताया है आपको दमनदीव वाले क्लासेस में भी, सीटेट में भी। They do not contain chlorophyll in their leaves. They do not get sunlight. Third, they do not get nitrogen from the soil. Fourth, they do not get water from the soil. घटपड़ी, pitcher plant विषमपोषी क्यों होते हैं? बताना है आपको, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती। थर्ड, इन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। फोर्थ, इन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता। बताना है 169 का, बिल्कुल इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा भाई, इन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लाइन दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 170 क्वेश्चन हमारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट चांगपा। चांगपा जनजाति के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है दमनदीव वाले में, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चांगपा आर नोमैडिक पीपल। गोट्स आर देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्व। थर्ड, दिस ट्राइब इज यूज टू स्टेइंग एट अ सिंगल प्लेस। दी, चांगपा रियर स्पेशल काइंड ऑफ गोट्स फ्रॉम होम द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल इज मेड। बताना है चांगपा के बारे में, बताना है आपको। चांगपा घुमंतु लोग हैं, बकरियां ही इनका सबसे बड़ी पूंजी हैं। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनकी बालों की दुनिया मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। बताना है आपको 170 का राइट आंसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ए बी और डी। चांगपा घुमंतु लोग है, बिल्कुल। बी, बकरियां इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, बिल्कुल सही। और डी, चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, ठीक है, जिसे पश्मीना ऊन बनाई जाती है। अब आगे चलते हैं 171। राकेश सेड दैट आई वांट टू क्लाइंब द हिमालयस। आई वांट टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम माउंटेनियरिंग। आई हैव सेलेक्टेड वन इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग फॉर दिस। ये मैंने पढ़ाया है आपको सीटेट में, आप दमनदीव की क्लासेस देखेंगे सीटेट ईवीएस वाली, माउंटेनियरिंग के बारे में मैंने पढ़ाया है। राकेश विल हैव टू गो टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टू रजिस्टर। नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रानीखेत। जल्दी से बताइए 171 का। तो 171 का जो राइट आंसर होगा आपका थर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा? थर्ड होगा, रानीखेत उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, वही रानी राकेश ने कहा कभी ये मुझे हिमालय पे चढ़ना है और चढ़ने के लिए मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, और ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे एक संस्था में एडमिशन लेना है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? रानीखेत। इसका राइट आंसर फोर हो जाएगा। अब 172 पे चलते हैं। हाउ डज मॉस्किटो फाइंड अ ह्यूमन बींग। जो मॉस्किटोस हैं हमें कैसे पाते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बाय द स्मेल ऑफ ह्यूमन बॉडी।
बाय देयर इंफ्रारेड आईज, थर्ड बाय द फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स, फोर्थ बाय द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं, मनुष्य के शरीर की गंध से, अपनी अवरक्त आंखों से, अपने पंखों की फड़फड़ाहट से, मनुष्यों के शरीर की हलचल से, बताना है आपको 172 का राइट आंसर क्या होगा। तो 172 का राइट आंसर बिल्कुल भाई मनुष्य के गंधों से पहचानते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है, सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आपको मिलेंगे, ठीक। 173 पे चलते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वीड्स, वीड्स ग्रो इन द फील्ड्स विदाउट बीइंग प्लांटेड, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड, वीड्स रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड बाय यूजिंग द वाटर एंड फर्टिलाइजर्स गिवन टू द क्रॉप्स, डी वीड्स डू नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, बताइए इसमें करेक्ट कौन है। खरपतवार के बारे में, खरपतवार बिना बोए आपने आप ही खेतों में उगाते हैं, खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, सी खरपतवार फसल के लिए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती है, डी खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, बताना है आपको, बिल्कुल बताइए। तो 173 का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका थर्ड, ठीक है, थर्ड वन इज राइट आंसर, ए बी और सी तीनों सही है, खरपतवार बिना बोए अपने आप खेतों में उगते हैं, खेत से निकालना जरूरी होता है, फसल के लिए खाद पानी का उपयोग और उपज कम करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 174, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लीव देयर हर्ड आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 14-15 एंड स्टार्ट लिविंग अलोन, जल्दी से बताना है 174। पहला है चीता, दूसरा है टाइगर, तीसरा है डियर, चौथा है एलिफेंट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 साल की आयु बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है, ये भी पढ़ाया है, चीता, बाघ, हिरन, हाथी, बताइए जल्दी से 174 का, बिल्कुल इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन केवीएस ने पूछे हैं, ठीक। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स एंड लेबल एसर्शन और रीजनिंग का, फिर क्वेश्चन आ गया, प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन, रीजन व्हेन इट रेन्स प्लांट्स सीम्स टू गेट न्यू लुक, बताइए, हिंदी में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है और बारिश आते ही पेड़ पौधे खिलाते हैं, ठीक है, जल्दी से बताना है आपको 175 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 175 का राइट आंसर आपका क्या होगा, 111111, ठीक है, क्या ओनली वन, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, मस्त रहिए, मजा रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, केवीएस वालों को तो मैं हीरो बना दूंगा जो अंत तक बना रहा। व्हाट आर द स्टेट रन स्कूल्स फॉर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो सो दैट ऑल चिल्ड्रन गेट अ चांस टू रीड एंड राइट, सो दैट ओनली पीपल ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज गेट अ चांस टू रीड एंड राइट, so that only the children of the family living below the poverty line get good education, D so that everybody may get a chance to learn something from each other, बताइए जल्दी से, हिंदी में क्वेश्चन बोलते हैं, पढ़ते हैं, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए होते हैं, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ताकि सिर्फ कुछ समुदायों के लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, सी ताकि सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले परिवारों के बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, डी ताकि सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो 176 का आपको राइट आंसर आपको बताना है, तो 176 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल भाई, ताकि सभी, सॉरी 176 पे चलते हैं भाई, इसका राइट आंसर फोर होगा, ए और डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, डी ए मतलब ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले और तभी सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो आगे चलते हैं 177, Think about following statements and choose the correct answer. पहला, we learn many things from each other in a family. Second, it is the custom of every house to remove the shoes before entering the house. C, some animals also live with us in our houses. D, some animals also live on our house without our permission. बताना है। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना यह घर का रिवाज है। हमारे साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं। भी कुछ जानवर हमारी इजाजत के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं। बताइए 178 का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल ईवीएस का सेकंड राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ए और सी सही है भाई, बिल्कुल हम परिवार में सीखते हैं और सी हमारे साथ कुछ जानवर घरों में रहते हैं। देखिए आप एनसीईआरटी पढ़ना है बस आपको ईवीएस के लिए, ठीक है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैच द फॉलोइंग, लिथोस मीन्स वेपर, एटमॉस मीन्स हुडर मीन्स बायोस मास, ठीक है, जल्दी से बताना है, हिंदी में मैच करिए, लिथोस का क्या अर्थ है, एटमॉस का क्या अर्थ है, रूडर का क्या अर्थ है, बायोस का क्या अर्थ है, जल्दी से बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन 179, इसको क्या कर दिया गया था, इसको ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत था। अब आगे चलते हैं 180, आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 178 क्वेश्चन था ना, तो इसको ड्रॉप नहीं किया गया था, तो 178 का राइट आंसर आपका सेकेंड होगा। अब आइए मैच द फॉलोइंग करते हैं,
सेकंड पहले का बी, लिथोस का मतलब पत्थर, ठीक है, और दूसरे का ए, एटमॉस का मतलब वाष्प, तीसरे का डी, ह्यूमर का मतलब जल, और बायोस का अर्थ है जीवन, ठीक है। ये होगा मैच द फॉलोइंग। और आगे चलते हैं 179, ये हमारा क्वेश्चन ड्रॉप किया गया था, ठीक है, इसको छोड़िए, ये इसको छोड़ना है, ड्रॉप करना है। 180 क्वेश्चंस आज का लास्ट क्वेश्चन ईवीएस का, ईवीएस के 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। थिंक अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोर्स। द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन फोर साइड्स। बी पाकिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई द पाक स्ट्रेट। सी लोकल टाइम चेंजेस बाई 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। डी लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ Do not have single standard time for the whole country। देखिए एक आ क्वेश्चन टफ पूछते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है आंख बंद करके। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो चारों तरफ जल से घिरा होता है। पाक जल संघि भारत के पाकिस्तान से अलग करती है। प्रत्येक वन चैनल देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय नहीं होता है, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो 180 का हो जाएगा भैया, 180 का 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, 4 इज द राइट आंसर मेरे लल्ला, इसका 4 इज द राइट आंसर, ठीक। सी और डी सही है, सी मतलब प्रत्येक एक देशांतर पर स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है, और डी बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय नहीं रहता, ठीक। यहाँ ईवीएस के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, बस ईवीएस की एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 की किताबें रट जाइए, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। जय हिंद जय भारत, ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।